नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भदेसर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने के मामले में फरार मुलजिम को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल, भदेसर वृत्ताधिकारी शिप्रा राजावत मय जाप्ता के साथ थाना भदेसर पॉस्को एक्ट और 67A IT एक्ट में फरार चल रहा मुख्य आरोपी गोपाल गाजरी पिता शोभा लाल गाजरी उम्र 21 साल निवासी राहरगढ़ थाना भदेसर को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण का गहनता से अनुसंधान जारी है। अनुसंधान वृत्ताधिकारी शिप्रा राजावत व्रत भदेसर के द्वारा किया जा रहा है। थाना भदेसर का मामला है जो कि हमारे पास 4 जनवरी को दर्ज हुआ था। इसके अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था और उसके कुछ अश्लील फोटो खींचकर और उन्हें वायरल करने की हमारे जानकारी में आया, जिसके बाद हमने मुकदमा नंबर 6/2022 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। मुलजिमों की तलाश की गई तो मुलजिम वहाँ से भाग गए थे, फरार हो गए थे। हमने टीम तैयार करके उसको काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसके बाद उस टाइम तो वो नहीं मिले। तब से हम यही देख रहे थे कि कहाँ छुपा हो सकता है। थोड़े दिनों बाद ही हमारी जानकारी में आया कि वो एक मुलजिम नहीं था, 2 मुलजिम थे, तो ये गैंग रेप के अंदर आ गया। तो उसके बाद एक मुलजिम की जगह 2 मुलजिमों की तलाश शुरू हुई, जिसके अंदर फोटो खींचने वाला जो लड़का था उसका नाम कुशाल सेन था, उसको हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। उसके बाद दूसरा जो लड़का है मेन, जो जिसने रेप किया था गोपाल गाडवी, उसको हमने आज गिरफ्तार किया है और अभी उससे अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान के बाद में आपको और जानकारी दी जाएगी। इसने गिरफ्तारी से पहले और मुलजिम जुल्म करने से पहले अपने फरारी कहाँ का कटी? इससे पूछताछ में अभी पूछताछ चल रही है। वैसे जो अभी तक जानकारी में आया वो ये है कि ये इसको पता चलने के बाद कि जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसके बाद पहले तो ये आसपास ही पुलिस से छुपता रहा, फिर मुंबई के लिए ये फ्लाइट के थ्रू मुंबई चला गया था, फिर मुंबई से ये वापस